Hello class, I'm here again. Today we are going to discuss our chapter number 11, that is constructions. ठीक है, आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि हम कैसे एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम एक लाइन सेगमेंट, एक एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल, इन सबको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कंस्ट्रक्शन नंबर 1 से, जो है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल. कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, किसी एंगल के एक उस एंगल को बाइसेक्ट करना है. ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है हमें. क्या करो, पहले एक रे ले लो, बी सी और डी. ठीक है, ये हमने ले लिया बी सी, ए ले लो इसको, यहाँ पे ए बी सी एक एंगल ले लिया. ठीक है, इसको हमें बाइसेक्ट करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है. अब क्या करो, बी एज अ सेंटर एंड सम रेडियस, एक आर्क लगाओ. आप कंपास से बनाना, मेरे पास कंपास नहीं है, इसलिए मैं आपको फ्री हैंड से बताऊंगी कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एंगल बाइसेक्टर को, लाइन बाइसेक्टर को, सब सेगमेंट्स को, इन सबको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, हम वो सब बताएंगे, चलिए देखते हैं. क्या करा मैंने, बी को सेंटर लिया, फिर वहां से एक थोड़ा सा रेडियस कुछ भी ले लिया, और देन एक बी के ऊपर कंपास के निडल रख के एक ऐसे आर्क लगाई. ठीक है, जो बीसी रे को कट करेगी डी पे और एबी को करेगी ई पे. अब क्या करो, डी पॉइंट पे सेम सेंटर लेकर थोड़ा सा आधे से ज्यादा इसको खोलकर एक आर्क लगाओ यहां पर, ऐसे ही ई के ऊपर निडल रखकर और यहां से एक आर्क लगाओ. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दोनों आपस में कट करेंगी. ठीक है, ये जो कट कर रही है इसको बी पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक रे बना दो. ठीक है, और इसको नाम दे दो एफ. तो बी एफ जो है वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए बी सी जो हमें गिवन था. ठीक है, समझ आ गया मैंने क्या करे. यहां हमारे पास एक एंगल था, बी को मैंने एज अ सेंटर यहां पे निडल रखी और थोड़ा सा कुछ भी एक सम रेडियस ले लिया, उससे एक आर्क लगा दी जिसने बीसी को कट करा डी पे और एबी को कट करा ई पे. ठीक है, अब अगेन डी को सेंटर लेके एक आर्क लगाई यहां पर, ई को सेंटर लेके आर्क लगाई यहां पर, इसको ज्वाइन कर दिया. इसने आपस में जहां ये आर्क कट हो रही है उसको मैंने पॉइंट दे दिया बी एफ. बी एफ जो है हमारा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर. अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लिखते कैसे हैं. ठीक है, चलिए स्टेप्स लिखते हैं कि आप लिखोगे कैसे. स्टेप्स, टेकिंग बी एज सेंटर, टेकिंग बी एज सेंटर एंड एनी रेडियस, draw an arc to intersect the rays AB and BC at DE and D respectively. पहले मैंने ए बी लिखा है इसलिए पहले जो उसका पॉइंट कट किया है वो लिखा है ई, उसके बाद मैंने बी सी लिखा है और बी सी को कट किया डी पॉइंट पे, तो उसके बाद ही मैंने लिखा डी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, उल्टा मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा. नाउ टेकिंग बी डी एंड ई एज सेंटर एंड विद रेडियस More than
हाफ ऑफ डी ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ. ठीक है, इसके बाद मैंने डी और ई के ऊपर सेंटर और रेडियस आधे से ज्यादा लेकर कट लगाया और उसने कहा मीट करा उसको एफ पे. ड्रॉ द रे बी एफ दिस रे बी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी. जो ये बी एफ है वो क्या है, हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का. क्लियर हो गया कि अगर आपको एक गिवन एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे. ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट. टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, किस तरीके से आप एक लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करोगे या उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे. ठीक है, चलिए सेकेंड कंस्ट्रक्शन है ये हमारी कंस्ट्रक्शन सेकेंड. टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट. देखो क्या करना है, हमने एक लाइन सेगमेंट ली ए और बी. ए को है सेंटर एंड रेडियस, यहां पर अपनी कंपास की निडल रखना ए पॉइंट पर, आधे से ज्यादा खोलकर एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगाओ. यहां से यहां निडल रखी और एक आर्क यहां एक आर्क यहां. उसके बाद क्या करा, बी पॉइंट पे निडल रखी, एक आर्क ऊपर लगाई एक आर्क नीचे लगाई. अब इन दोनों आर्क्स को ज्वाइंट कर दो. ठीक है, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा बना देती हूं. आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्केल कंपास इन सब से ही करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी. यहां से रखा ये आर्क लगाई और एक नीचे लगाई, यहां से रखा एक आर्क ये लगाई और एक नीचे लगाई. अब मैंने इसको ज्वाइन करा दिया. ठीक है, इसको नाम दे दो सी और डी. ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये पॉइंट हो गया हमारा एम, इनको ज्वाइन कर दो. स्टेप्स लिख सकते हो कि पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ली ए बी, ए पॉइंट को एज अ सेंटर एंड रेडियस आधे से ज्यादा खोला, ऊपर नीचे एक आर्क लगाई. बी पॉइंट को एज सेंटर एंड रेडियस आधे से ज्यादा खोला, ऊपर नीचे आर्क लगाई. द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स वेयर दे बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट आर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. नाउ जॉइन ए सी ए डी बी सी एंड बी डी एंड द सी डी रे इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है, इस तरीके से आप अपना कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी लिख सकते हो. ठीक है, अब देखते हैं हम अपना थर्ड कंस्ट्रक्शन. थर्ड कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उसके स्टेप्स भी आप अपने आप लिख सकते हो. जो जो आप करते जाओगे वैसे वैसे इसको लिखते जाना. टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट at the initial point of a given ray. ठीक है,
किसी भी एक गिवन रे का हमें 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए देखते हैं, आपको रे दे रखी है ए और बी, ठीक है, इसका आपको कंस्ट्रक्ट करना है। टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्किल। हमने क्या करा, ए के ऊपर अपना कंपास रखा, इसको एज अ सेंटर और कुछ थोड़ी सी रेडियस खोल के एक आर्क लगा दी, ठीक है। इस आर्क में ए बी को कट करा एट पॉइंट डी। अब क्या करो, अगेन डी पॉइंट पे एक जितनी रेडियस ए से खोली थी उतनी ही खोलकर डी पॉइंट को एज अ सेंटर एंड रेडियस एक आर्क लगा दो, ठीक है। अब आप ये कट करेगी इसको ई पॉइंट पर। अब ए और ई को एक्सटेंड करते हुए एक रे बनाओ, जो ये है हमारी एसी रे, यही है हमारा एंगल ऑफ 60 डिग्री। आप इसको जब एक डी से मेजर करोगे, प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, तो इट कम आउट टू बी 60 डिग्री। क्या करा, ए भी एक रेली, ए पॉइंट को एज अ सेंटर और थोड़ा सा कुछ रेडियस खोलकर एक आर्क लगाई, फिर ए बी को उसने जिस पॉइंट पे कट किया था उसको एज अ सेंटर और जितनी ए से लेकर डी तक हमारी रेडियस थी उतनी ही लेकर एक और आर्क लगाई, ठीक है। इसने इस आर्क को ई पॉइंट पे कट करा, उससे एक रे पास करी जो थी हमारी एसी एंड विच इज अ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्टेप्स आप कैसे लिखोगे। चलिए हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। फर्स्ट, टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट ए बी एट डी। सेकेंड है, फ्रॉम डी एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस पास बिफोर, ड्रॉ एन आर्क which cut at E. Third point, draw the ray passing through E, then angles CAB is required angle of 60 degree, ठीक है। ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन फॉर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हम जो अपनी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे वो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसे ही आपको अगर 45 डिग्री का एंगल बोला जाए तो उसको भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 90 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कोई भी एंगल हो, आप किसी भी एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लोगे, जिस तरीके से हमने 60 डिग्री का किया है उसी तरीके से। नाउ कंस्ट्रक्शन फॉर आवर ट्रायंगल, पहले मैं इसके स्टेप्स लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन के। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करते हुए कंस्ट्रक्शन कर दूंगी, नहीं तो आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगी कि मैंने किया क्या है। पहला, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, उसका एक बेस आपको दिया हुआ है एंड द एंगल एंड द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ड्रॉ द बेस बीसी एंड एट द पॉइंट बी
मेक एन एंगल से एक्स बी सी इक्वल टू गिवन एंगल, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस AC फ्रॉम द रे BX। थर्ड जॉइन DC एंड मेक एन एंगल DCY इक्वल टू एंगल BDC, ठीक है। फोर्थ लेट CY इंटरसेक्ट BX एट A, देन ट्राइंगल को ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। चलिए देखते हैं कि हमने कैसे किया, ठीक है। पहले हमने क्या करा, एक बेस लिया बीसी, ठीक है। हमें पता है कि ट्राइंगल जो है वो एक बेस के ऊपर बनता है। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप पेयर में ज्वाइन करोगे तो आपका एक ट्राइंगल बनता है। ये तो हमें पता था कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। Now draw the base BC and at the point B make an angle say XBC। हमने क्या करा, BC एक बेस लिया और इसके ऊपर एक एंगल बनाया XBC equals to given angle, जो हमारे given angle के equal होगा, जो भी हमें angle दिया होगा, ठीक है। दूसरा क्या करना है, cut the line segment BD equal to AB plus BC। लाइन सेगमेंट BD को हमने कट किया, सपोज यहां कहीं था हमारा ये वाला जो एंगल था ना, रे जो आपने BF से बनाया था इसके अंदर एंगल हमने बनाया था ये वाला, ठीक है। उसको हमने कट किया, मैंने B पॉइंट पर सेंटर एंड रेडियस लेके इसको एक मार्क लगाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पॉइंट A, AB प्लस AC, ठीक है। फ्रॉम द रे BX, BX से बनाया है हमने BD, जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल होगा AB और AC के। BD की जो लेंथ होगी वो AB और AC के सम के इक्वल होगी। ये हमें गिवन था कि दो लाइंस का कंस्ट्रक्ट आप कैसे करोगे, कि गिवन इट्स वैल्यू एंगल एंड द सम ऑफ द टू अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जॉइन बीसी, बीसी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। एंड मेक एन एंगल डी सी वाई, डी सी वाई इसको एक्सटेंड करो, ठीक है। इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, इसके इक्वल ही एक एंगल बनाओ, बी डी सी के इक्वल एक एंगल बनाओ डी सी वाई, ठीक है। लेट सी वाई इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए, सो ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देखो हमने किया क्या है, हमने क्या करा कि हमारे पास कोई एक बेस था बी सी, उस पर हमारे पास एंगल है एक्स बी सी, हमने कोई एक पॉइंट डी लिया यहां पर और ए यहां पे लिया, डी सी डी बी डी जो होगा वो होगा सम ऑफ बी सी एंड डी सी। यहां मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे लिख लो सम ऑफ बी सी एंड डी सी। ये हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो इनइक्वालिटी थी
कि जो तीसरी साइड होती है वो दो अपोजिट साइड की इक्वल या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आ गया इससे बड़ा। अब हमने क्या करा, डीसी को ज्वाइन करा और एक एंगल बनाया डीसी वाई जो कट करेगा इस एंगल को सी वाई रे को एट ए पॉइंट पर। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया एसी को, तो एबीसी जो होगा हमारा वो एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। इसी तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको सारी कंस्ट्रक्शन शायद क्लियर हो जाए, शायद क्या हो ही जाएगी कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे किसी भी एंगल को और ट्राइंगल को। बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते जाना, अपने आप कंस्ट्रक्ट होता चला जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। हमें एक कोई ऐसा ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, एंगल सी जो है 45 डिग्री है और तीनों साइड का सम जो है वो 11 सेंटीमीटर है। पहले क्या करते हैं, हम स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ले लिया जो है हमारा कितना 11 सेंटीमीटर का। आपको पता है कि तीनों का सम हमारे पास 11 सेंटीमीटर आने वाला है ट्राइंगल का। ठीक है, नाउ एट पी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एट क्यू एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या करो, पी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाओ और क्यू पे 45 डिग्री का। 60 डिग्री का अभी बताया था कैसे बनाते हैं, पी को एज अ सेंटर एंड रेडियस एक आर्क लगाओ, देन ये जहां कट कर रहा है इस पॉइंट को आप ले लो, पॉइंट को तो छोड़ दो एज इट इज, ये जहां कट कर रहा है इसको एज सेंटर एंड रेडियस लेके एक आर्क, और ये कहीं अब इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करो, क्यू पॉइंट पे ऐसी करो, क्यू को आज सेंटर एंड रेडियस एक आर्क लगाई, उसके बाद अगेन जो ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर भी रख के एक आर्क लगाई, इसको ज्वाइन कराया और ये तो बन गया 60 डिग्री, मुझे बनाना है यहाँ पे 45 डिग्री। अगेन क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर आधे से ज्यादा खोलकर एक आर्क यहां लगाओ, फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के आधे से ज्यादा खोलकर एक आर्क यहां लगाओ, फिर इसको ज्वाइन करा दो, ये जो एंगल बनेगा ये होगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, बाइसेक्ट दीज एंगल्स, थर्ड लिखो अब इसका स्टेप, बाइसेक्ट दीज एंगल्स, लेट द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। अब हमने एंगल तो बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इनका एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, यहां रखी ये आर्क लगाई, यहां रखा ये आर्क लगाई, ऐसे ही यहां रखा ये आर्क लगाई, यहां रखा ये आर्क लगाई। अब इन दोनों को ये जहां कहीं मीट करेंगे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं
पॉइंट ए पर, ठीक है, ये दोनों आपस में मीट कर गए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ए, ठीक है। नाउ फोर्थ, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट को तो नाम ले लो बी और ई। देखो जो हमने यहां बनाए थे ना, ये तो था हमारा पीएल और ये था हमारा क्यू एम, ठीक है, यहां ये वाला क्यू एम था हमारा 45 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। इस दोनों को बाइसेक्ट करके हमने ये बनाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एपी और एक्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालेंगे जो कि मीट करेंगे पीक्यू को बी और सी पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीई ऑफ एपी एंड टू इंटरसेक्ट पीक्यू एट बी एंड एफ जी ऑफ ए क्यू टू इंटरसेक्ट पी क्यू एट सी। देखो हमने क्या करा, पी पॉइंट पे पहले एक 60 डिग्री का एंगल बनाया, क्यू पॉइंट पे 60 डिग्री का बनाया, फिर उससे बाइसेक्टर निकाला, वो आया हमारे पास 45 डिग्री का क्यू और एम। उसके बाद हमने क्या करा, 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर निकाला और 40 डिग्री का, वो दोनों कहीं जाकर मीट कर रहे हैं पॉइंट ए पर। अब क्या करो, एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। मैंने बताया था कि आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर नीचे आर ए पॉइंट से और आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर नीचे आर पी पॉइंट से, इन दोनों को ज्वाइन करा दो, ठीक है। ये है हमारा डी एंड ई, ठीक है। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो ए क्यू का, अगेन क्यू से आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर नीचे आर, ए से आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर नीचे आर, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करा दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये है हमारा एफ और जी। अब जो ये कट कर रहा है, ये पॉइंट है हमारा बी, और जो ए क्यू का बाइसेक्टर कट कर रहा है यहां पर, ये है हमारा सी। नाउ जॉइन जॉइन ए बी एंड ए सी, देन ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी और ए सी को जॉइन कर दो, ये रहा ए बी और ए सी, ये जो हमारा ए बी और ए सी है, ये है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो मैंने बोल्ड किया है ना, वो है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो इस कंस्ट्रक्शन से हमें मिला है। एक बार दोबारा देख लो, पहले मैंने पी पॉइंट पे एक आर्क रखी, उससे कट लगाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर क्यू पॉइंट पे एक आर्क बनाई, पहले 60 डिग्री का बनाया, फिर उसको उससे बाइसेक्टर बना के 45 डिग्री का बनाया, देन दोनों का जो एंगल पी पे बना है और जो क्यू पे बना है, दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स बनाए जो मीट कर रहे हैं पॉइंट ए पर। उसके बाद मैंने क्या करा, एपी और एक्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाले। एपी का है डीई और बी, ए क्यू का है एफ और जी, जो मीट कर रहे हैं पी क्यू को बी और सी रिस्पेक्टिवली पर, देन ए बी और ए सी को ज्वाइन कर दो, एंड ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या किसी भी एंगल को भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपने ट्राइंगल या एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।